देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकरेंट मिसकैरेज, या फिर इसको हैबिचुअल मिसकैरेज भी बोलते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ थ्री और मोर कॉन्सिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बिफोर 20 वीक ऑफ जस्टेशन। इसमें क्या होता है कि थ्री या उससे भी ज़्यादा कॉन्सिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं 20 वीक ऑफ जस्टेशन से पहले, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बार बार अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिलती है वुमेन में। अब इसके टाइप देखते हैं। ये इसमें दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टाइप्स में प्राइमरी में क्या होता है कि नेवर गिव बर्थ, पेशेंट ने एक भी बार जन्म नहीं दिया है, ठीक है वो, या फिर 22 वीक ऑफ जस्टेशन के उसने क्रॉस नहीं किए हैं अभी, ठीक है। और जो सेकेंड होता है सेकेंडरी, उसमें क्या होता है हैविंग प्रीवियस बर्थ, पेशेंट ने पहले बर्थ दिया हुआ है, वो बच्चे को जन्म वो दे चुकी है, ठीक है। अब इसकी इंसिडेंस रेट हम देखते हैं। इसकी इंसिडेंस रेट होती है 1% ऑफ टोटल अबॉर्शन। अब इसके कॉजेज देखते हैं। कॉजेज में इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉज होते हैं इसके, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉज होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है बैलेंस ट्रांसलोकेशन। बैलेंस ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो एक जो जीन्स होते हैं वो अपनी लोकेशन से दूसरे जीन्स की लोकेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीटस के ऑर्गन डेवलप होने हैं उनमें कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई की जगह ईयर बन जाता है, या ईयर की जगह आई का डेवलपमेंट हो जाता है। एंड सेकंड इसका कॉज है एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक कॉज। इसमें क्या होता है पुअरली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस की पेशेंट होती है उनमें ये देखने को मिल सकता है। सेकंड ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में क्या होगा कि प्रोजेस्ट्रोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रिकरेंट अबॉर्शन हो सकते हैं। थर्ड इज पीसीओडी, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। देन थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज, जो थायराइड ग्लैंड है वो उसकी ऑटो इम्यूनिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी अबॉर्शन का कोज हो सकती है। एंड देन इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन भी इसमें कोज करते हैं रिकरेंट अबॉर्शन के लिए, जैसे रुबेला। फोर्थ है एलो इम्यूनिटी। एलो इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो फीटस जो डेवलप हो रहा है उसके अगेंस्ट में मदर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडी फीटस में ट्रांसफ़र हो जाती है प्लेसेंटा के थ्रू, और वो अबॉर्शन का कारण बनती है। एंड देन उसके कोज है अननोन। इसके कई कोज अननोन भी हैं, ठीक है। एंड देन देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटी। एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटी में हम देख सकते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस, कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड का फॉर्मेशन होना, या फिर एंडोमेट्रोसिस का होना, ठीक है, या फिर इंट्रा यूटेराइन एडेजन होना, है ना, मतलब यूट्रस के अंदर एडेजन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिनको एशरमान सिंड्रोम भी बोलते हैं, या फिर सर्वाइकल इन कॉम्पिटेंसी होना, मीन्स जो सर्विक्स होती है वो उसकी जो रिटेंटिव पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है, मीन्स जो प्रोडक्ट को होल्ड करने की जो उसकी कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है सर्विक्स की, ठीक है। देन इसमें हो सकता है यूटेराइन एबनॉर्मलिटी। कुछ यूटेराइन एबनॉर्मलिटी की वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है, जैसे बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ठीक है, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस या सेप्टेट यूट्रस।
देन सेकंड है क्रोनिक मैटरनल इलनेस. मदर में भी बहुत सी इलनेस होती है जिसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और या फिर क्रोनिक रिनल फेलियर जैसी कंडीशन भी हो सकती है, या फिर हीमोग्लोबिनोपैथी, मदर के हीमोग्लोबिन में कोई एबनॉर्मलिटी हो. देन उसके बाद हम देखते हैं इन्फेक्शन. कुछ इन्फेक्शन भी कोज हो सकते हैं, जैसे सिफिलिस, टोक्सो प्लाज्मोसिस वगैरह इन्फेक्शन भी कोज हो सकते हैं. एंड इसके भी कुछ कोज अननोन होते हैं. देन इसके बाद इसके देखते हैं हम कुछ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में फर्स्ट देखते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं हम पेशेंट का, जिसमें कि ब्लड ग्लूकोज, VDRL, थायराइड फंक्शन टेस्ट या फिर ABORH टाइप, ठीक है. और कुछ ऑटो इम्यून स्क्रीनिंग भी पेशेंट की करते हैं. एंड देन थर्ड है सीरम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी चेक करते हैं, ठीक है. देन USG करके देखते हैं हम. USG में हम कुछ एबनॉर्मलिटी को हम देख सकते हैं, यूट्रस से रिलेटेड कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ को. और HSG करके देखते हैं, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, इसमें भी हम यूट्रस और सर्विक्स की या फिर वेजाइना की जो फॉर्मेशन में कोई माल फॉर्मेशन है या फिर एबनॉर्मलिटी है उसको हम देखते हैं इसमें, ठीक है. उसके बाद में हम कैरियोटाइपिंग करते हैं, जिसमें जेनेटिक काउंसलिंग होती है हस्बैंड एंड वाइफ की. एंड उसके बाद में एंडोसर्वाइकल स्वाब लिया जाता है अगर कोई इन्फेक्शन है तो. उसके बाद हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की. हिस्ट्री में मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री या फिर फैमिली हिस्ट्री हम लेंगे पेशेंट की, या फिर डायबिटिक हिस्ट्री या फिर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, कि पहले उसकी प्रेगनेंसी में से रिलेटेड क्या क्या एबनॉर्मलिटी उसमें हुई है, या फिर फीटस से रिलेटेड क्या क्या एबनॉर्मलिटी उसमें हुई है पहले पेशेंट में, वो हम लेंगे. और फैमिली हिस्ट्री में उसकी जेनेटिक हिस्ट्री लेंगे, जिसमें कि उसमें उसकी मदर या सिस्टर को किसी को भी ये सब जेनेटिक कुछ एबनॉर्मलिटी है तो उसमें भी होने के चांसेस हैं, तो वो सब हिस्ट्री हम उससे लेंगे. देन एग्जामिनेशन करेंगे. देन एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल लेवल. पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल हम देखते हैं. पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम करेंगे. पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखते क्या देख सकते हैं, कोई अगर सर्जरी हुई है तो उसका स्कार या फिर हर्निया या मास लाइक स्ट्रक्चर कुछ हो तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है. पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन या पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हम करके देखेंगे, उससे हम इन्फेक्शन कुछ वेजाइनल स्वाब लेंगे, ठीक है. और कुछ मुलेरियन डक्ट एनोमलीज होती हैं उनको भी इंस्पेक्शन किया जाता है, जैसे डबल सर्विक्स हो गई, वेजाइनल सेप्टम हो गया, ये सब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन में देखते हैं. उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे. ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इम्प्रूव द साइकोलॉजी ऑफ कपल्स. रिकरेंट अबॉर्शन होने के कारण कपल्स में, हस्बैंड वाइफ में, उन जो पेशेंट है उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें एंजाइटी हो सकती है या डिप्रेशन में भी वो हो सकती है, तो उसके लिए उसकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे. देन उसके बाद में मेट्रोप्लास्टी करेंगे. मेट्रोप्लास्टी क्या होता है, यूटेराइन यूनिफॉर्मेशन. जो यूटेराइन की एबनॉर्मलिटी है यूट्रस में, जो सेप्टेट यूट्रस है, बाइकोनुएट यूट्रस है, उसकी सर्जरी करके उसको करेक्ट किया जाता है. देन जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, ठीक है. प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट का, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस से या फिर कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग से हम डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है, जिससे कि उसकी जेनेटिक काउंसलिंग हो सके, ठीक है. और अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है तो GnRH एनालोग्यो देंगे, मतलब गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स का जो एनालोग्यो होते हैं
वो पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई एंडोक्राइन डिसफंक्शन है तो जैसे कि थायराइड या फिर डायबिटीज़ वगैरह, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, कुछ जेनाइटल इन्फेक्शन होते हैं तो उसके लिए हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, प्रोजेस्ट्रोन उसको देंगे पेशेंट को। प्रोजेस्ट्रोन हम ओरली भी दे सकते हैं और वेजाइनल सपोजिट्री के थ्रू भी दे सकते हैं पेशेंट को। देन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी में क्या करेंगे, सर्वाइकल सर्कलेज ऑपरेशन करेंगे, जिसमें क्या होता है, वेजाइना सर्विक्स के सूचरिंग की जाती है सर्विक्स की। एंड और जो एलो इम्यूनिटी डिसऑर्डर हुआ है उसके लिए आईवी इम्यून ग्लोबुलिन ट्रांसफ्यूज करेंगे पेशेंट में। ठीक है, थैंक यू।